हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जॉटिक जर्नीज। और फिर हम आज निकल पड़े हैं एक और नए ट्रिप के लिए और आपके लिए नए व्लॉग्स बनाने के लिए। सो इस बार का ट्रिप भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम जा रहे हैं इस बार केरला, और ये है एक एक्सटेंडेड वीकेंड बिकॉज फर्स्ट में छुट्टी है। सो ये टोटली 3 दिन का ट्रिप होने वाला है और ये एक पूरा सीरीज़ बनाने का मैंने प्लान किया है केरला का, जितने भी दिन वहाँ पर रहूँगा। सो हाँ, और मेरा हेयर कट देख के बताइएगा ये मुझे सूट कर रहा है कि नहीं। थोड़ा सा गूफ अप हो गया था जो बाल काट रहे थे, सो इसी वजह से मैंने पूरा क्रू कट ही करा लिया। सो वो भी कमेंट करके बताइएगा, और होप आपको प्रीवियस वीडियो जो आप देखे होंगे पॉन्डिचेरी का वो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए सो दैट यू नो वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्स, और आपको भी वो पता चली गया होगा वीडियोस देखते देखते कि हम भी इम्प्रूव कर रहे हैं एवरी वीडियो बाय वीडियो। सो यही मोटिवेशन, यही सपोर्ट दिखाते रहिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जैसे मैंने हमेशा बोला है, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अच्छे अच्छे, और बताइएगा कि और कहाँ जा सकते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, तो वो भी हम कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये ट्रिप इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है जैसे कि मैं बता रहा था, बिकॉज ये ट्रिप हम बाई रोड जाएंगे, अपने कार से नहीं जा रहे हैं बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं बाई बस, और जा रहे हैं हम केरला। सो आप देखते रहिएगा, और थंबनेल से तो ऑनेस्टली पता चल ही गया होगा आपको। सो स्टे ट्यून्ड गाइज इन द वीडियो, और आपको भी साथ में दिखाएंगे जो भी कुछ अच्छा दिखेगा और जो कैप्चर कर सकेंगे। सो ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो में, सपोर्ट दिखाते रहिएगा। इसमें गुजारना था हमें एक रात जो कि थोड़े तकलीफ में ही गुजरा, उतना कम्फर्ट था नहीं बेड में, बट स्टिल वी समहाउ मैनेज्ड एंड इंतज़ार कर रहे थे कि सुबह कब होगा। सुबह सुबह हम फाइनली पहुंचे एलेपी बस स्टैंड। बस से उतरने के बाद फिर हम जल्दी से एक ऑटो पकड़ के चले गए अपने डेस्टिनेशन, जहां से हमें स्कूटर रेंट लेना था, जो कि आप देख सकते हो ये है एलेपी के एक पार्ट जो कि बैक वाटर्स के हैं, जहाँ पे आप रेंट में बोट्स ले सकते हो। फटाफट से हमने फिर अपने डॉक्यूमेंट्स देके स्कूटी रेंट पे लिया, फिर हम वहाँ से निकल पड़े। सो फाइनली केरला पहुंच चुके हैं, और जैसे कि आपने देखा ही होगा द बस कैसा था। सो बताइएगा कमेंट करके वेदर यू लाइक द इंटीरियर ऑफ द बस और नॉट। और केरला पहुंच के ही अगेन गर्मी तो है बट उतना ज़्यादा नहीं है, फॉर्चुनेटली बारिश हुआ था यहाँ पे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सो हम इतने जल्दी पहुंच गए कि हमारा चेक इन हाउस बोट पे 12 बजे, और अर्ली चेक इन भी नहीं मिल सकता, रीज़न बीइंग ऑलरेडी देर आर गेस्ट जो आज चेकआउट करेंगे, सो दैट इज़ प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल। सो हमने सोचा क्या करें, सिंस हम 8 बजे ही पहुँच गए, तो अभी फ़िलहाल आए हैं एक जगह ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो खाना आ चुका है हमारा, और खाने में हमने मंगाया है पेपर घी रोस्ट डोसा, दिखाता हूँ आपको, आप भी देखिए, ये देखिए आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, साथ में मंगाया है कॉफ़ी, कॉफ़ी भी आएगा तो दिखाते हैं आपको। और ये रहेगा अपना ब्रेकफास्ट, ये है चटनी सांबर, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ पानी। सो खाना खाते फिर यहाँ से निकलते, फिर जहाँ भी जाते हैं आपको बताएंगे। सो मैं आप लोगों को थोड़ा प्लान बता देता हूँ केरला का, क्या प्लान है जो बताया नहीं अभी तक। सो बेसिकली ये टोटल 3 दिन का ट्रिप है, और मैं इसको सोच रहा हूँ कि 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसका पूरा सीरीज़ बनाऊँगा। और तो अभी बेसिकली हम लोग ने अभी ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करके अभी जैसे ही निकले तो एज अ गिफ्ट मुझे देख लो, अभी अचानक से कॉस्ट्यूम चेंज हो गया, तो मुझे एक्चुअली वो शर्ट अभी गिफ्ट में मिला, पता ही होगा किससे मिला होगा। सो शर्ट भी पहन लिया, और
तो रहा बात पूरा ट्रिप का, तो अभी हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करके जाएंगे एक जगह जो कि लाइट हाउस है, और वो है आपका एलपी बीच, और उसके बाद डायरेक्ट जाएंगे हाउस बोट, क्योंकि चेक इन का ऑलमोस्ट टाइम होने ही वाला है, 12 बजने ही वाला है। तो ये सब कवर करके फिर हाउस बोट में जाएंगे, फिर हाउस बोट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसा है नहीं है। फिर हाउस बोट में रहने के बाद कल जो कि संडे है, संडे चेकआउट करके फिर हम चले जाएंगे कोची, और कोची में अभी रिसेंटली ही एक मेट्रो जो कि अभी इनॉग्रेट हुआ है भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर, सो वो मेट्रो भी मुझे कवर करने का बहुत मन है, तो देखता हूँ अगर हो पाता है तो वो भी वीडियो में मैं डाल दूँगा। तो ऑल इन ऑल वैसे करके कोची कवर करेंगे, अभी हाउस बोट कवर करेंगे इन बैक वाटर्स ऑफ एलपी। सो यही तो ओवरऑल का प्लान है, फिर मंडे यहाँ से हम वापस चले जाएंगे बैंगलोर। सो ओवरव्यू यही है पूरा ट्रिप का। सो जैसे कि आपने देखा अभी शॉर्ट्स में लाइट हाउस, सो ये है आपका एलएपी लाइट हाउस जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है, सो इट्स मोस्टली फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है जैसे कि आपने देखा ही होगा वीडियो में। तो बस अब टाइम हो चुका है कि यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे हाउस बोट में अपना, जो कि हमारा वेट कर रहा है, वहाँ से फ़ोन भी आ चुका है। सो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इसके बाद में ही यहाँ पे एक एलएपी बीच है, तो बीच हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, बहुत धूप है, सो बीच अभी अवॉइड करेंगे। तो होगा तो शाम को अगर बोट हाउस जब डॉक होगा तब देखेंगे अगर आ पाएंगे तो, नहीं तो अपार्ट फ्रॉम दैट फिर अभी आने के टाइम वी सॉ देयर वाज अ चर्च विच वाज ब्यूटीफुल वाइट कलर चर्च, सो वहाँ पे अगर उधर से जाते हैं तो वहाँ पे रुकेंगे, आपको भी दिखाएंगे, बहुत खूबसूरत है। अगेन इट गिव्स यू दैट पोर्चुगीज फील कमिंग हेयर इन यू नो एलएपी और आलापुरा। सो फाइनली बोट हाउस पहुँच चुके हैं, और अभी जाएंगे चेक इन करेंगे। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30। सो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये पार्ट वन एंड करूँगा और बोट हाउस का पूरा कम्प्लीटली एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जो पार्ट टू में आएगा। सो तो अभी जाते हैं चेक इन करते हैं, फिर आपको बोट हाउस दिखाएंगे, रूम कैसा है सब कुछ दिखाएंगे। तो हमारा थोड़ा सा स्पेशल काइंड ऑफ रूम लिया है हमने 24 घंटे के लिए, चेक इन करते हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे, और बोट हाउस में जो भी होगा एक पर्टिकुलर एक सिंगल वीडियो हाँ कर लो, सुबह हो चुका है, 12 बज रहा है। सो यही है,
जाते हैं, चेक इन करते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। सो अगर वीडियो अभी तक देख चुके हो, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।